नमस्कार आदाब सत श्रीकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं कल वीडियो बनाया था और आप सबको बताया था कि अंकिता सिंह दुमका कांड जैसा सेम कांड दुमका में ही मारुति कुमारी नाम की एक लड़की है उसके साथ भी हुआ। उसको भी उसका एक सिरफिरा आशिक जो शादीशुदा था राजेश राउत घर में घुसता है, पेट्रोल छिड़क कर जला देता है और इलाज के दौरान रिम्स रांची में उसकी मौत हो जाती है। आज उसके परिजन भागलपुर दुमका हाईवे को जाम कर देते हैं, उसका जो है कि डेड बॉडी को रख करके सड़क पर। और बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीतू झा और तमाम लोग पहुंचते हैं, समझाते बुझाते हैं भीड़ को, लेकिन भीड़ का एक ही मांग था जो आरोपी है राजेश उसको हमारे हवाले किया जाए, बाकी हमको सरकार से कोई मुआवजा की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की सांत्वना की जरूरत है। लेकिन आज वही निशिकांत दुबे जो अंकिता सिंह का जब हत्या हुआ था और उसका आरोपी शाहरुख था, तेही निशिकांत दुबे अपने दो और जयबीरू के साथ यानी मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के साथ दिल्ली से चलकर गए थे क्राउड फंडिंग करके और 28 लाख रुपया का आर्थिक मदद दिए थे अंकिता सिंह के परिवार को। लेकिन यहाँ पर अंतर नजर आया और वो अंतर ये था कि आज पहुंचे तो जरूर थे निशिकांत दुबे, लेकिन भीड़ ने और उसके परिजनों ने मारुति कुमारी की बहुत ही बेआबरू करके वहां से उनको भगा दिया और इनका कहना नहीं माना। अब क्यों नहीं माना ये समझने की बात है। पहला कारण जो भीड़ से आवाज आ रही थी कि हमको न्याय पर भरोसा नहीं है, अदालत पर, कोर्ट पर, कानून पर भरोसा नहीं है, बस आरोपी जो है राजेश उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, बाकी जो निर्णय करना होगा हम लोग कर लेंगे, उस पर ये निशिकांत दुबे भीड़ को समझाते हुए नजर ये आते हैं कि ये देश तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर संविधान से जो भी काम होता है संविधान के दायरे में होता है, कानून के दायरे में होता है, उसको हम भरसक जो है कि सजा दिलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा दिलाएंगे। लेकिन यही निशिकांत दुबे जब अंकिता सिंह के घर पर गए थे, तीन जन मिलके निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा, तो ये लोग घर में बैठकर उस पीड़ित परिवार से मिल रहे थे और बाहर सड़क पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन और बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में नीतू झा के नेतृत्व में सड़क पर नारे लग रहे थे कि आरोपी को फांसी दिया जाए और भड़काऊ नारे भी लग रहे थे वहां पर, बाहर निकालो, गोली मारो, क्या क्या नारे लग रहे थे वहां पे। लेकिन यही निशिकांत दुबे जब यहां पर ये रुख अपनाते हैं और 28 लाख रुपया के ले जाकर आर्थिक मदद करते हैं अंकिता सिंह के परिवार को, लेकिन उस मारुति कुमार के परिवार को केवल 2 लाख रुपया का मदद करते हैं और उनके साथ उनका जो कुनबा रहता है मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा वो कहीं नजर नहीं आता है, कोई क्राउड फंडिंग नहीं होती है और वहां पर जाकर ये पाठ पढ़ाते हैं कानून का। तो सबसे पहली बात तो भीड़ को उकसाने का काम भी बीजेपी करती है और अपने राजनीति के हिसाब से कहां पर किस प्रकार से राजनीति करना है उस हिसाब से निर्णय भी बीजेपी ही लेती है। अब यहां पर चूंकि आरोपी मुसलमान था, उसका नाम शाहरुख था, खूब हो हल्ला हुआ, तमाम प्रकार के हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए, दिल्ली से चलकर कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे के नेतृत्व में दुमका पहुंचते हैं, क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा होता है 28 लाख रुपया पीड़िता के परिवार को देते हैं और नारा लगता है महिला बीजेपी दुमका के नेतृत्व में कि गद्दारों को गोली मारो और तमाम प्रकार के फांसी की सजा की मांग होती है, सड़कें जाम होती है, जबकि शाहरुख का भी तुरंत गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन ये जो बीजेपी का आक्रामक रवैया इस केस में नजर नहीं आ रहा है जो अंकिता सिंह के केस में नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसका आरोपी हिंदू है, उसका नाम राजेश है, बोल रहे हैं लेकिन अकेले गए थे, वह महिला मोर्चा भी वहां पर मौजूद थी नीतू झा जिसके नेतृत्व में नारे लग रहे थे अंकिता सिंह के केस में, तमाम प्रकार के हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए थे और तमाम प्रकार के यूट्यूबरों के ऊपर केस करने की बात हो रही थी, विनय दुबे जो सामाजिक कार्यकर्ता है मुंबई में उनके ऊपर भी केस करने की मांग हो रही थी, इनके नेतृत्व में नीतू झा के नेतृत्व में संजीव सिंह ये लोग दुमका प्रशासन के पास भी पहुंचे थे मानहानि का केस करने के लिए, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है जहां तक मेरे अभी तक जानकारी में है मानहानि का केस,
लेकिन ये लोग वहां पर उतना एक्टिव नजर नहीं आते हैं, मिला जुला के बात यह है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से राजनीति करते हैं, कहां पर इनको नरम होना है, कहां पर गर्म होना है, इनको बखूबी आता है, केवल बांटने का काम करते हैं। जो आज पाठ पढ़ा रहे थे जाकर के उन पीड़ितों के, जो मारुति कुमार है वहां पर, उसके पीड़ितों के पास जाते हैं, उसके परिजनों के पास जाते हैं, उन लोगों से कि कानून के दायरे में रहकर उसको सजा दी जाएगी, कानून है। और मीडिया से भी कहते नजर आ रहे थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो राजेश को लाकर भीड़ को सौंप दे। तो इसी निशिकांत दुबे से मैं पूछना चाहता हूं कि अंकिता सिंह का जो आरोपी है शाहरुख, उसको भी तो कानून के दायरे में रख के ही सजा दी जाएगी, उसको भी तो कानून अपने तरीके से ही सजा देगा, उसकी भी तो जांच पड़ताल होगी। तो वहां पर आप लोग इतना आक्रामक कैसे थे? क्या वहां पर कानून का राज नहीं था? वहां पर संविधान नहीं था? आज संविधान आ गया, आज कानून आ गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बांटने की राजनीति करते हैं, किस प्रकार से अगर आरोपी मुसलमान है तो कितना ही लोग को आक्रामक होना है, वो नजर आता है इन लोगों के रवैये से। तो आप बीजेपी की मंशा को समझ सकते हैं कि कहां पर ये लोग किस प्रकार से राजनीति करते हैं। एक पीड़ित परिवार अंकिता सिंह का, उसको 28 लाख रुपए का मदद ही बीजेपी के नेता जाकर करते हैं, और एक पीड़ित परिवार मारुति कुमारी के परिवार केवल 2 लाख रुपए का मदद करते हैं। इस परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से चल के बीजेपी के 3 दिग्गज सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे साथ पहुंचते हैं। उस पीड़ित परिवार मारुति कुमारी से मिलने के लिए केवल अकेले निशिकांत दुबे पहुंचते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी केस आप सबके सामने है और किस प्रकार से दो मतलब रवैया अपनाया जा रहा है। तो ऐसे ही और भी अपडेट के लिए, ऐसे ही और भी न्यूज के लिए हमारे चैनल रिंकू यादव स्टोरी को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।